मैंने सिर्फ 3 बार यूज किया, सिर्फ 3 बार। मैं 15 दिन, 17 दिन, 18 दिन गैप करके सिर्फ एग्री 82 ये डाला। रिजल्ट पहले महीने में चालू हुआ, 15 दिन 17 दिन के बाद चालू दिखा मेरे को। रिजल्ट जबरदस्त लगा। आए किसान लोग, चर्चा किए मेरे से, भाई आप क्या चीज डाले, आपका जो था, बोले चने की फसल ऐसी, कुछ यहाँ ऐसे पौधे थे। फिर देखे धीरे धीरे पूरी 17 दिन 18 दिन के बाद डबल छिड़काव किया मैं, उसके बाद धरती दिखना ही बंद हो गया। पूरे जमीन में पूरे दाड़े जखने कंसे ऐसे मारे कि पूरी धरती मतलब दिखे ही नहीं, ओनली चने की फसल। फिर तीसरा छिड़काव किया, फूल का समय आया, चालू हुआ, पंखुड़ी लगा, फिर धीरे धीरे उसके बाद फिर और जमक जैसी जैसी आया, फिर दिखा, फिर एक सरीके पूरे पौधे एकदम एक सरीके जबरदस्त साइड हाँ फैल गए। फिर धीरे धीरे लोगों ने यहाँ तक भी बोले थे मेरे को, आपने ये जो है बोले 1.5 कट्टे 2 कट्टे जैसी भी इसमें बीज लगाए होंगे, आप बोले 1 कट्टे भी इसमें नहीं उपजा पाओगे बोले पौधे देख के। लेकिन वेस्टी 80 एग्री 2 3 बार मैं यूज किया और वही 7 क्विंटल। ये कंपनी के बारे में मेरे को जानकारी हुआ, ये चीज क्या है, प्रोडक्ट क्या है, फिर इसमें जुड़ा मैं, और फिर मार्केटिंग के बारे में जानकारी नहीं था, ओनली सिर्फ मेरे को ये प्रोडक्ट यूज करना है करके मैं आया। फिर इधर आके मेरे को मार्केटिंग भी करना है, ये मेरा उद्देश्य है। और मैं ये चाहता हूँ, और भी मेरे बंदे हैं गांव में, दोस्त यार हैं, उनके बारे में भी चर्चा किया। हमारे सर जो है विनोद सर, अभी ये संडे को जाने वाले थे, कुछ काम आ गया, जबलपुर जाना है बोलते हैं, इस कारण से अभी नहीं जाएंगे। आने वाले समय में मैं उनके साथ जाऊंगा, उनको लेके जाऊंगा, और जो हमारे दोस्त है एग्जिट वाले वेस्टेज वाले उनको भी लेके जाऊंगा। और मैं आज जो है वहाँ छत्तीसगढ़ में अपने गांव में, मेरा चॉइस है कि एक ब्रांच होना चाहिए। जैसे हमारे गांव से 30-35 किलोमीटर बेमेतरा एरिया है, वहाँ पे एक ब्रांच है, करीबन 75 से 80 किलोमीटर रायपुर सिटी है, वहाँ ब्रांच है। मैं चाहता हूँ, मैं आज एक हूँ, कल वहाँ 1 से 10 करूँगा, 10 से 100 करूँगा, ऐसे बंदे लाऊंगा ये कंपनी में, भाई ये प्रोडक्ट जो है इसमें काम करो, ये अच्छा मतलब कंपनी है करके। और इस बारे में जानकारी मेरा 1 से 10, 10 से 100 ऐसा चलते रहेगा, और मैं ये हमेशा 1 से 21 तक बढ़ाते चलते आऊंगा जी। इतना ही बोल के मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देना चाहूँगा।